नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मधु सिंह। शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। सीबीआई ने शिक्षा राज्य मंत्री से की घंटों पूछताछ। सीबीआई की टीम के समक्ष आखिरकार शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी को पेश होना ही पड़ा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम को भी उनका इंतजार था। गुरुवार की शाम 7:30 बजे वे अकेले सीबीआई कार्यालय पहुंचे। उनसे एसएससी घोटाले के संबंध में पूछताछ की गई। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी बेटी अंकिता अधिकारी को नौकरी दी थी। इसे लेकर ही सीबीआई की टीम ने उनसे पूछताछ की। आज सरकारी कर्मचारी के डीए मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का डिविजन बेंच सुनाएगा फैसला। सुबह 10:30 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। केंद्र कर्मचारियों के अनुपात में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने डीए की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। मालदा में धर्मांतरण का आरोप, कोर्ट ने जांच सौंपी सीबीआई और एनआईए को। मालदा जिले के कालियाचक में धर्मांतरण किए जाने को लेकर दायर रिट की सुनवाई के बाद इसकी जाँच सीबीआई और एनआईए को सौंप दी गई है। इसकी मौजूदा स्थिति के बाबत 21 जून को रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजा शेखर मंथा ने ये आदेश गुरुवार को दिया। इस रिट में आरोप लगाया गया है कि जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। अर्जुन के दबाव के बाद केंद्र ने हटाई कच्चे जूट की मूल्य सीमा। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के केंद्र सरकार पर लगातार दबाव के बाद गुरुवार को केंद्र ने कच्चे जूट की मूल्य सीमा हटा ली। इस संबंध में पीआईबी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया, कच्चे जूट व्यापार की बाजारों की गतिशीलता का सावधानी से परीक्षण करने के बाद केंद्र सरकार ने 6500 रुपए प्रति क्विंटल की मूल्य सीमा को हटा लिया है। ये TD5 ग्रेड कच्चे जूट के लिए होगा, जो गत 30 सितंबर 2021 को तय किया गया था। जूट मिलों व अन्य एंड यूजर्स से कच्चा जूट खरीदने पर 6500 रुपए प्रति क्विंटल की मूल्य सीमा तय की गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। हनी ट्रैप में फंसाकर व्यक्ति से ठगे 50,000, एक गिरफ्तार। सुंदर महिलाओं से दोस्ती कराने के नाम पर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर हजारों रुपए ठगने वाले गिरोह का हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में शुभोदास नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक फ्रेंडशिप क्लब का विज्ञापन देखकर उसने क्लब के नंबर पर फोन कर संपर्क किया। फोन करने पर जालसाजों ने महिला की आवाज में बात कर व्यक्ति को अपने कार्यालय में बुलाया और उससे ठगी की। जिलों से जुड़ी बड़ी खबरों पर एक नजर। सॉल्ट लेक में एसएफआई का प्रदर्शन। एसएससी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसएफआई के समर्थकों ने मामले के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग पर सॉल्ट लेक के कर्णामयी मोड़ पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस कर्मी और एसएफआई समर्थकों में धक्का मुक्की भी हुई। एसएफआई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। शराबबंदी की मांग पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। शराबबंदी की मांग पर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से डीएमसी मोड़ के निकट प्रदर्शन किया गया। बीच सड़क पर प्रदर्शन किए जाने से कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि सरकार को दुआरे मौत पर फौरन पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। बेरोजगारी एवं महंगाई की मार से हर वर्ग के लोग प्रभावित है, वहीं दूसरी तरफ शराब बेचने को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश विदेश की बड़ी खबरें। भारत ने माना पेंगोंग में पुल बना रहा है चीन। विदेश मंत्रालय बोला, कब्जे वाले इलाके में हो रहा कंस्ट्रक्शन, इस पर हमारी नजर। आज का राशिफल। कोलकाता 20 मई 2022 राशि तिथि 30 बैसाख के 1944। मेष राशि, दिन लाभदायक रहने की आशा है। रुका काम थोड़े प्रयास से संभव है। कर्म क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित करें। वृष राशि, किसी आत्मीय के सहयोग से चल रही समस्याओं का समाधान संभव है। राहत का अनुभव करेंगे। कर्म क्षेत्र में पूरा ध्यान लगाएं। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए किसी भी विवाद से बचे। दिन परेशानी भरा हो सकता है। अपनों के राय परामर्श में रहें। कर्क राशि, किसी मांगलिक प्रयास में प्रगति संभव है। कर्म क्षेत्र में कुछ नए संपर्क बन सकते हैं। सिंह राशि, बकाया भुगतान थोड़े प्रयास से संभव है। दिन लाभदायक रहने की आशा है। कर्म क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित करें। कन्या राशि, चल रही समस्याओं में सुधार थोड़े प्रयास से संभव है। अपनों के राय परामर्श में रहें। कर्म क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित करें। तुला राशि, कोई पारिवारिक समस्या चिंता का कारण बन सकती है। तनाव मुक्त रहते हुए धैर्य से काम लें। व्यर्थ के विवादों से बचें।
वृश्चिक राशि, किसी प्रसन्नतादायक समाचार की प्राप्ति संभव है। कर्म क्षेत्र अवसर प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। धनु राशि, आर्थिक प्रगति के कुछ नए नए अवसर मिल सकते हैं। रुके काम थोड़े प्यास से बन सकते हैं, दिन लाभदायक रहेगा। मकर राशि, सफलतादायक स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा प्रयास आपको समस्या मुक्त कर सकता है। सहयोगियों का सहयोग बना रहेगा, आनंदित रहेंगे। कुंभ राशि, लेन देन में सावधानी रखते हुए आर्थिक नियंत्रण बनाए रखने की चेष्टा करें। दिन हैरानी भरा हो सकता है। मीन राशि, प्रगति प्रधान दिन बने रहने की आशा है। पूरी निष्ठा के साथ कम क्षेत्र से जुड़े रहे, मित्रों का सहयोग बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।